बेटा तुम लोगों को आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। ठीक है, तुम लोगों की कम आ रही है मुझे आज आवाज, पता नहीं क्यों। हाँ अच्छा बेटा, मैं थोड़ी देर में स्टार्ट करने लगी क्लास, और पार्टिसिपेंट्स आ जाए तो। मिस, हाँ बोलो बेटा। मिस जब तक आप पेपर पैटर्न समझा देंगी, मैंने ना पासपर्स में देखा था उसके अंदर है ना, हमें लाइक शॉर्ट आंसर 16 करने होते टोटल, लाइक नॉन रीजनिंग और रीजनिंग हो नहीं रहा चार्ज। यहाँ से तो कोई इशू नहीं है। नहीं मिस, पता नहीं क्या मुसीबत है, उस दिन तो लग गया था आराम से। अठारह मिनट तक चलेगा ये सर, फिर बंद हो जाएगा। मिस दो मिनट सबर करो यार, क्या हो गया भाई। नहीं मिस, ये चार्जर में ही मसला है, यहाँ से तो सही लगा हुआ है। मिस डबल पिन नहीं है एक्स्ट्रा जो नीचे लगती है? जब तक मैं क्लास स्टार्ट कर लूं। हाँ बेटा, आप क्या बोल रहे थे? मुझे पूछना था कि जो पेपर में हमें शॉर्ट 16 करने होते टोटल, मैंने देखा था ना उसके अंदर 22 में से, मतलब रीजनिंग और नॉन रीजनिंग को मिलाकर। देखो पेपर पैटर्न हम किसी और क्लास में डिस्कस कर लेंगे, मुझे खुद भी देखना पड़ेगा क्योंकि मुझे सही से याद नहीं है पैटर्न, तो अभी डिस्कस करने का नहीं है फायदा। तुमने अब मुझे दिला दिया ना याद, तो मैं जो है अब नेक्स्ट तुम लोगों की जब भी क्लास होगी तो उसमें कर लूंगी डिस्कस। ठीक है ठीक है। अच्छा आज हमने यार कहाँ से पढ़ना है? फाइलम प्रोटो कॉर्डेटा से पढ़ना है। सब क्या करें? मिस पता नहीं, मेरे ये लैपटॉप का ये मसला है, ये चार्ज कम हो जाता है। अच्छा चलो ठीक है, हम क्लास स्टार्ट करते हैं यार। ठीक है फाइलम हमने स्टार्ट करना है ग्रुप ए क्रेनिएटस से। ठीक है, तुम लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही साफ तो बताना, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ना शोर बहुत हो रहा है यार, ये उठ रही है इसको करने दो। ठीक है आज क्योंकि यार मैं कोचिंग से क्लास ले रही हूँ ना, तो यहाँ आसपास की बहुत आवाजें आवाजें आ रही हैं, घर में इतना शोर नहीं होता। अच्छा ग्रुप ए क्रेनिएटा में पढ़ा रही थी। ठीक है प्रोटोकॉर्डेटा मैंने कल बताया था कि इसमें ब्रेन बॉक्स जो है इन एनिमल्स में नहीं होता। ब्रेन बॉक्स का मतलब पता है तुम लोगों को? मैंने कल बताया था, क्या बताया था मैंने? स्कल। ठीक है तो ब्रेन बॉक्स का मतलब क्या है? ब्रेन बॉक्स का मतलब है स्कल। ठीक है अच्छा, अब प्रोटोकॉर्डेटा और ए क्रेनिएट्स एज देयर नेम इंडिकेट्स आर द फर्स्ट और सिंपल कॉर्डेट्स इन विच ब्रेन बॉक्स क्रेनियम इज एब्सेंट। ठीक है ये कौन से एनिमल्स होते हैं जिनमें ब्रेन बॉक्स नहीं होता? एंड हेंस ब्रेन इज नॉट प्रोमिनेंट। जाहिर बात है अगर ब्रेन प्रोमिनेंट इनमें है ही नहीं जबी तो हमें स्कल की जरूरत नहीं, अगर ब्रेन प्रोमिनेंट होता तो हमें ठीक स्कल की भी जरूरत पड़ती। ठीक है इन दिस ग्रुप ऑफ कॉर्डेट्स नोटोकॉर्ड डस नॉट ट्रांसफॉर्म इनटू वर्टिब्रल कॉलम। इन एनिमल्स में क्या होता है कि जो नोटोकॉर्ड है वो ट्रांसफॉर्म नहीं होती वर्टिब्रल कॉलम में। जाहिर बात है हमने पढ़ा था कि कुछ एनिमल्स में परसिस्ट करती है नोटोकॉर्ड, तो ये वही एनिमल्स है जिनमें नोटोकॉर्ड जो है वो डेवलप नहीं होगी इनटू वर्टिब्रल कॉलम। ठीक तुम लोगों को समझ में आ रहा है? नहीं सुन रहे हो? ठीक है अच्छा, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा पे आ जाओ। नोटोकॉर्ड इन द टेल, इनमें ऐसे एनिमल्स में क्या होता है कि इनकी नोटोकॉर्ड कहाँ होती है? टेल्स के अंदर लोकेटेड होती है। ठीक है यूरोकॉर्डेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड ट्यूनिकेटा। ट्यूनिकेटा को अंडरलाइन करो। ठीक है ट्यूनिकेटा की मतलब नाम लिख के भी वो लोग पूछ सकते हैं कि भाई आप ट्यूनिकेटा के बारे में बता दो, ऐसा नहीं जरूरी कि हमेशा यूरोकॉर्डेटा लिख के वो पूछे। ठीक है तो ट्यूनिकेटा आपका इसके पास दूसरा नाम है। बिकॉज देयर बॉडी इज इनक्लोज्ड इन अ सैक कॉल्ड ट्यूनिक। इन एनिमल्स को क्या कहा जाता है? इनका नाम होता है यूरोकॉर्डेट्स। ठीक है क्यों यूरोकॉर्डेट्स कहते हैं इनको? क्योंकि इनकी टेल जो है ना वो नोटोकॉर्ड जो है वो टेल में होती है, दुम के अंदर होती है। ठीक है अगर यहाँ तुम लोग डायग्राम में देखो तो टेल इनकी पता नहीं मार्क की हुई है नहीं, मुझे नजर तो नहीं आ रही वैसे, लेकिन यहाँ मार्क नहीं हुआ हुआ, लेकिन इनकी टेल के अंदर नोटोकॉर्ड होती है। ठीक है अगर आपको ये वाली डायग्राम याद हो पिछली वाली, तो इनकी नोटोकॉर्ड ये पूरी एक्सटेंड कर रही थी यहाँ से यहाँ तक।
पूरी बॉडी में, सही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ टेल में लोकेटेड है। इनको ट्यूनिकेटा भी कहा जाता है क्योंकि इनकी जो पूरी बॉडी है किसके अंदर लोकेटेड होती है, ट्यूनिक के अंदर लोकेटेड होती है। जैसे हम कॉपी पे या बुक पे कवर चढ़ाते हैं ना, प्लास्टिक का कवर, ठीक है, उसी तरीके से इनकी बॉडी के ऊपर एक कवर होता है शाइनी सा, उसका नाम क्या होता है, ट्यूनिक होता है। इसीलिए एनिमल्स को क्या कहा जाता है, ट्यूनिकेटा, ठीक है। दे आर ऑल मरीन एंड सेसाइल। देखो इसमें तुम लोग पूरा पैराग्राफ बना के भी याद कर सकते हो, पॉइंट्स में भी कर सकते हो, तुम लोग की अपनी मर्जी है। इतना ज्यादा ये नहीं पूछा जाता, अगर पूछ भी लेना तो ये पूछते हैं जो लास्ट में लिखा है ना पैराग्राफ के, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के हवाले से पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पूछ सकते हैं, ब्लैंक्स में आ सकते हैं। तो ये पॉइंट्स में बना के करो, वैसे करो, आपकी मर्जी है, मैं हेडिंग्स नहीं बनवा रही। दे आर ऑल मरीन एंड सेसाइल। सेसाइल का क्या मतलब है, सेसाइल का क्या मतलब, मतलब एक ही जगह रहते हैं, मूव नहीं कर सकते। हाँ, वेरी गुड। और सिसाइल का ऑपोजिट क्या होता है, मोटाइल। मोटाइल, ठीक है। पीछे से आवाज आ रही थी तुम लोगों को बच्चों की अच्छा नहीं, अच्छा। दे आर ऑल मरीन एंड सिसाइल कैसे होते हैं, एनिमल्स मरीन होते हैं, मींस आपको कहाँ मिलेंगे, ये सी वाटर में मिलेंगे, ठीक है। और सिसाइल होते हैं कि भाई एक ही जगह, जैसे स्पंजेस थे, सिसाइल थे, जहां पैदा हुई सारी लाइफ गुजार दी, तो वो सिसाइल होते हैं, ठीक है। द ट्यूनिक इज प्रोवाइडेड विद टू ओपनिंग्स। देखो अगर तुम लोगों को स्पंज याद हो तो स्पंज में दो ओपनिंग्स थी, कोई मुझे नाम बता सकता है, तुम लोग बता दो। ऑस्टिया और ऑस्क्यूला, ठीक है। अच्छा अब देखो हमारे पास ऑस्क्यूला और ऑस्टिया है। द ट्यूनिक इस उसी तरीके से, जैसे ऑस्क्यूला का काम क्या होता है, पानी एग्जिट करवाता है, वो एक ही ओपनिंग होती है, ऐसी बात है। ऑस्क्यूलम का काम क्या था कि एक ओपनिंग होती है टॉप पे, वो पानी को बाहर लेके जाती है। पानी को बॉडी के अंदर कौन सी चीज लेके आ रही होती है, ऑस्टिया, ठीक है। हाँ उस वक्त भी हमने शायद इन करंट और एक्स करंट वाली चीज पढ़ी थी। तो द ट्यूनिक इज प्रोवाइडेड विद टू ओपनिंग्स एंड इन करंट एंड एक्स करंट और एट्रियल साइफन। देखो जो इन करंट है मींस जहां से पानी अंदर आएगा, ठीक है। इन करंट का मतलब क्या है, पानी वहां से बॉडी के अंदर आएगा। इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है बकल साइफन। अंडरलाइन करना बेटा इन चीजों को, ठीक है। और नीचे एट्रियल, उसको भी बक्कल, अगर आपको पता हो डाइजेस्टिव कैविटी में बक्कल कैविटी भी एक होती है, जो हमारी ओरल कैविटी है उसको बक्कल कैविटी कहा जाता है क्योंकि वो माउथ से रिलेटेड है, ठीक है। तो इन करंट का मतलब वो एरिया जहां से पानी बॉडी के अंदर दाखिल होगा उसको इन करंट कहा जाता है। इनका मतलब क्या होता है, किसी भी चीज के अंदर आना, ठीक है। एग्जिट का मतलब कि भाई लिखा होता है ना दरवाजों के बाहर, ये एग्जिट है, ये एंट्रेंस है। तो इन करंट का मतलब कि भाई पानी यहां से अंदर आ रहा है, ठीक है। एक्स करंट का मतलब कि भाई बॉडी के बाहर पानी जा रहा है, बॉडी से बाहर जा रहा है, ठीक है। तो इन करंट का दूसरा नाम बक्कल साइफन, यानी कि बक्कल साइफन से पानी अंदर आएगा। और एक्स करंट या एट्रियल साइफन मतलब है कि पानी यहां से बॉडी से बाहर इस जगह से निकलेगा। ये मेरी बात समझ में आई, जिसको नहीं आई वो बता दो। आ गई बेटा समझ बात या नहीं, कोई सवाल नहीं है तो मैं आगे बढ़ू बेटा, ठीक है। इट इज थ्रू दीज ओपनिंग्स दैट वाटर करंट ब्रिंग फूड एंड ऑक्सीजन एंड टेक अवे द एक्सक्रीटरी वेस्ट एंड पार्टिकल्स। अच्छा अब जाहिर बात है कि ये भी पानी में रहते हैं, अभी हमने पढ़ा मरीन होते हैं तो उनको पानी में रहने की जरूरत है, तो पानी के साथ साथ जितने भी फूड पार्टिकल्स है वो पानी के साथ आएंगे बॉडी के अंदर, ठीक है। कि जाहिर बात है इसको खाना भी तो चाहिए जिंदा रहने के लिए, सही है। और दूसरा लिखा हुआ है कि इट रिक्वायर्स ऑक्सीजन एंड टेक अवे द एक्सक्रीटरी वेस्ट एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट को बेटा लेकर जाता है, ठीक है। एक्सक्रीटरी वेस्ट कहाँ से जाएगा, कौन सी ओपनिंग से जाएगा, एक्सकरंट का दूसरा नाम क्या है, एट्रियल साइफन, ठीक है। जाहिर बात है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हम बॉडी के अंदर तो नहीं लेंगे ना यार, हम तो फूड और वाटर लेंगे या ऑक्सीजन लेंगे इन करंट साइफन से या बक्कल साइफन से। जितना भी बॉडी का गंद भरा है, जितने भी एक्सक्रीटरी मैटर है, वो कैसे जाएगा, किस ओपनिंग से बाहर जाएगा, एक्सकरंट या एट्रियल साइफन से, ठीक है। अच्छा एज एन एडल्ट एसिडिया, एसिडिया का बेटा ये जो है ना एग्जाम्पल की हेडिंग बना के लिख लेना जी बेटा। गेमीट्स भी लिखा हुआ, तो ये सेक्स सेल्स भी वापस बाहर लेके जाएंगे, क्या चीज लिखा है बेटा,
गैमेट्स, अच्छा हाँ गैमेट्स, हाँ हाँ मैं समझ गई, गैमेट्स इनके बाहर जाएंगे इसलिए बेटा क्योंकि गैमेट्स का काम क्या होता है, गैमेट्स आगे जाके मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं और क्या बनाते हैं, जायगोट फर्टिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो इनकी जो रिप्रोडक्शन है या जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो बॉडी के अंदर नहीं होता बल्कि बाहर होता है, पानी में होता है, इसीलिए इनको अपने जितने भी रिप्रोडक्टिव सेल्स है या गैमेट्स है वो पानी में रिलीज करने होते हैं। पानी में जाके ये गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं, एक जायगोट बनाते हैं और वो फिर एक मेच्योर एसीडिया में डेवलप होता है या जो भी एनिमल है उसमें डेवलप होता है। कौन सा वाला मनाहिल, कौन सा पॉइंट मिस जो अभी आपने बताया है लास्ट पॉइंट जो इनकरेंट वाला, ये कौन सा? नो मिस, इट इज थ्रू दीस ओपनिंग्स वाला जो। अच्छा अच्छा, इट इज थ्रू दीस ओपनिंग्स दैट वाटर करंट ब्रिंग फूड एंड ऑक्सीजन। जाहिर बात है यार, हमें जो है जब बॉडी के अंदर कोई चीज ले जानी होती है तो वो जाहिर बात है काम की होती है, जैसे हम मुंह से पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, ठीक है, इसी तरीके से इनकी जो इनकरेंट साइफन या बकल साइफन है वहां से क्या होगा, न्यूट्रिशनल मटेरियल बॉडी के अंदर आएगा, पानी, फूड, ऑक्सीजन, सही है। बॉडी से बाहर जो चीजें हैं उनमें क्या चीजें आपके पास आ जाती है, एक्सक्रीटरी वेस्ट, ये बॉडी से बाहर जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें तो वेस्ट मटेरियल बॉडी में नहीं जमा रखना, हमें तो बाहर भेजना है। और दूसरा गैमेट जाएगा बॉडी से बाहर, कहां से बाहर जाएगा, एक्स करंट या एट्रियल साइफन से बाहर जाएगा, ठीक है। अब मैंने गैमेट्स वाली जो बात बताई कि भाई इनके जो गैमेट्स या रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं वो बॉडी से बाहर जाते हैं एक्सकरेंट साइफन के थ्रू, ठीक है, बॉडी से बाहर कहाँ जाएंगे, ये जमीन पे तो होते नहीं, ये पानी में होते हैं, तो ये गैमेट्स पानी में जाएंगे और पानी में जाकर ये जो है वो फर्टिलाइजेशन करेंगे और एक नया एक मैच्योर एनिमल बनाएंगे, ठीक है। इज इट क्लियर बेटा मनाहिल? यस मिस। ठीक है बेटा, एसीडिया जो है एग्जाम्पल की हेडिंग में बना रहा है, आपको जो डायग्राम बनाई हुई है नीचे आप देखो तो एसीडिया ही लिखा है, पूरा एसीडिया है, तो एग्जाम्पल है यूरोकॉर्डेटा की, ठीक है। अच्छा भाई, एसीडिया शोज लिटिल कॉर्डेट कैरेक्टर्स, इट इज एक्चुअली इट्स मोटाइल लार्वा विच रिजेंबल्स अ टैडपोल। अच्छा, अब ये जो एनिमल है ना एसीडिया का, अच्छा मुझे कोई जल्दी से हेवी कॉर्डेटा का लार्वा बता सकता है क्या था? हेमी कॉर्डेटा का लार्वा, हेमी कॉर्डेटा का, हेमी कॉर्डेटा टॉर्नेरिया ऐसी कुछ था, ठीक है, गुड। और एकाइनोडर्मेटा का लार्वा, ठीक है, याद है तुम लोगों को, ठीक है। तो इसके लार्वे का आई गेस कोई नाम मैसेज नहीं लिखा हुआ जहां तक मुझे याद आ रहा है, लेकिन इनका लार्वा कैसा होता है, टेडपोल तुम लोगों को पता है, जो फ्रॉग का छोटा लार्वा होता है उसका नाम टेडपोल होता है, उसकी तरह होता है। एंड एग्जिबिट्स कॉर्डेट कैरेक्टर्स, ठीक है। जब एसीडिया बड़ा हो जाता है, ये वाला पॉइंट समझो, एन एडल्ट एसीडिया, मतलब कि जब एसीडिया बड़ा हो जाता है, ठीक है, एडल्ट हो जाता है, तो उसमें जो कॉर्डेट के कैरेक्टर्स है वो जरा आपको कम नजर आएंगे। जब ये एसीडिया छोटा होता है या टेडपोल होता है, लार्वा होता है, तब इसमें कॉर्डेट कैरेक्टर्स आप इजिली देख सकते हो, उसमें ज्यादा अच्छे नजर आते हैं। जब एडल्ट ये बड़ा हो जाता है ना, तो उसमें कॉर्डेट के कैरेक्टर्स थोड़े कम हो जाते हैं, ठीक है, इसका मतलब ये है। इट कंसिस्ट अ नर्व कॉर्ड एंड अ शॉर्ट नोटोपॉड इन इट्स टेल ओनली, ठीक है। ये आपने लास्ट डायग्राम देखी थी ना यार, उसमें ये देखो, यहां आपने देखा था कि बॉडी के सबसे पीछे वाले पार्ट में क्या है, नर्व कॉर्ड है, ठीक है बेटा, उसके आगे क्या है, नोटोपॉड है, ठीक, और इसके आगे हमने पढ़ा था फेलेंजियल गिल स्लिट्स, सही है। तो इनमें क्या होगा, नर्व कॉर्ड होगी, इट कंटेन्स अ नर्व कॉर्ड, ठीक है, एंड अ शॉर्ट नोटोकॉर्ड इन इट्स टेल ओनली, हैज द नेम यूरोकॉर्डेटा। इनकी नोटोकॉर्ड कहाँ होती है बेटा, इनकी नोटोकॉर्ड होती है टेल में। अच्छा एक चीज देखो, यहाँ पे सिर्फ देखो, यहाँ जो बेसिक डायग्राम बनी थी इसमें तो तीन चीजें बताई हुई ना यार, नर्व कॉर्ड है, नोटोकॉर्ड है, गिल स्लिट्स भी है। कल तुमने पूछा था ना सुबह मुझसे, गिल स्लिट्स समझ में आ गया था तुम्हें, ठीक है। तो गिल स्लिट्स जो है यहाँ पे क्यों नहीं मेंशन किया हुआ, कौन बच्चा बताएगा मुझे? देखो यहाँ लिखा है ना, इट कंटेन्स अ नर्व कॉर्ड एंड अ शॉर्ट नोटोकॉर्ड, गिल स्लिट्स कहाँ गया भाई? मिस वो एडल्ट में जो है वो उसके मतलब जो कॉर्डेट्स के होते हैं वो ज्यादा दिखते नहीं है, मतलब कम हो जाते हैं प्रॉपर्टीज, ठीक है। लेकिन देखो, हाँ नहीं देखो, यहाँ लिखा हुआ नहीं है लेकिन डायग्राम में देखो तो गिल स्लिट्स लिखा हुआ है। ये वाला पॉइंट तुम लोग इसके आगे लिखो कि इट कंटेन्स अ नर्व कॉर्ड, शॉर्ट नोटोकॉर्ड इज स्टेल ओनली प्लस गिल स्लिट्स। गिल स्लिट्स डायग्राम में देखो जहाँ मेरा एरो मूव कर रहा है, यार ये पूरा पॉइंट एज इट इज लिखना है, बस इसमें ऐड कर लो, नर्व कॉर्ड भी होती है, नोटोकॉर्ड भी होती है, एंड गिल स्लिट्स भी होते हैं, यहाँ लिखा हुआ नहीं है लेकिन आप देखो डायग्राम में तो गिल स्लिट्स ये छोटे आपको स्लिट लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, ठीक है। गिल बार गिल स्लिट्स लिखा हुआ है ना, ठीक है।
यहाँ पता नहीं क्यों उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ। अ शॉर्ट नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, नोटोकॉर्ड बहुत छोटी होती है लेकिन कहाँ होती है, टेल में होती है। हैज द नेम यूरोकॉर्डेटा। एज द लार्वा रीचेस मैच्योरिटी इट अटैचेस टू द, यार ये आगे क्यों हो गया, एज द लार्वा रीचेस मैच्योरिटी इट अटैचेस टू द सी बॉटम एंड अंडरगोस रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस बाय लूजिंग इट्स टेल एंड मोस्ट ऑफ द कॉर्डेट कैरेक्टर। मेनी स्पीशीज ऑफ हर्डमेनिया आर फाउंड इन आवर सीज। अच्छा दो एग्जाम्पल इसकी हो गई, एक तो एसीरिया, दूसरी एग्जाम्पल है हर्डमेनिया। लास्ट लाइन में जो हर्डमेनिया लिखा है ये इसकी दूसरी एग्जाम्पल है, पहली एग्जाम्पल क्या थी, एसीरिया। ठीक है, अच्छा अब एक हेडिंग जो तुम लोग इसमें बना सकते हो ताकि तुम लोगों को याद रहे कि भाई ये भी एक चीज है, ऐसा ना हो कि तुम भूल जाओ, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस की हेडिंग बनाना एज द लार्वा से लेके लास्ट लाइन तक। ठीक है, अच्छा अब ये क्या चीज है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का मतलब ये है कि जब लार्वा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो रहा होता है तो ये लार्वा जो है ना पानी में होता है, जाहिर बात है, तो ये लार्वा क्या करता है, देखो लिखा है अटैचेस टू द सी बॉटम, समंदर के सबसे निचले हिस्से में जाकर अटैच हो जाता है, जो समंदर के नीचे जो जमीन है उस पे जाके अटैच हो जाता है। एंड अंडर गोस रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अपनी दुम जो है या इसकी जो टेल है वो ये लूज कर देता है। अब तुम लोग देखो कि इसकी जो नोटोकॉर्ड है वो कहाँ पे होती है, टेल में होती है। ठीक है, टेल में होती है, तो अगर ये अपनी टेल ही लूज कर देगा तो जब ये बड़ा होगा तो इसमें क्या होगा, कॉर्डेट के एक कैरेक्टर कम हो जाएगा और वो कैरेक्टर क्या है, नोटोकॉर्ड। इसीलिए हम कहते हैं कि जब देखो मैंने यहाँ पे ये बात बताई थी कि जब ये एसीडिया एडल्ट हो जाता है, जब बड़ा हो जाता है तो उसमें कैरेक्टर्स कम होते हैं, लिटिल कॉर्डेट कैरेक्टर्स होते हैं, लार्वा में ज्यादा होते हैं, इसलिए कि लार्वा में सब कैरेक्टर्स होंगे। ठीक है, लार्वा गया उसमें समंदर के सबसे नीचे वाले हिस्से में जाके अटैच हुआ और क्या हुआ, उसने अपनी टेल लूज कर दी, उसकी टेल सेपरेट हो गई बॉडी से या हट गई। ठीक है, अब टेल लूज होने से क्या नुकसान होगा, यार इसकी चार्ज कम हो रही है, मैं इसको बोल